जी उम्मीद करते हैं आप सब फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। सो फाइनली आज नींद पूरी हो गई, तो हमने सोचा क्यों नहीं जल्दी उठ जाते हैं। उठते हैं तो बढ़िया सी वॉक पे चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने ये मॉर्निंग वॉक की ही नहीं है। आज मैं जाऊंगी पार्क, थोड़ा सा सोसाइटी के बाहर जाऊंगी। इतना प्यारा सा सनराइज़ हुआ है, महीने बाद मैं ये सनराइज़ देख पा रही हूँ। मतलब उठ ही नहीं पा रही थी जो देखूँ इन सब चीज़ों को। वो टाइम है जब हम दुनिया जहाँ की टेंशन छोड़ करके आते हैं वॉक पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक घंटे का ब्रेक मिल गया है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट करना है। सो ये जो पूरा ट्रैक था कुछ 1.5 किलोमीटर का था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पीछे काफ़ी बड़ा गार्डन है। वैसे भी नोएडा को रिटायरमेंट सिटी बोलते हैं। इस गार्डन में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर एक सेक्शन है, ऐसे 4 सेक्शन होते हैं। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, और अच्छी बात यह है कि इस पार्क में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। मतलब मैं जैसे ही एंटर करी, मैं वो चीज़ फील कर पा रही थी कि एकदम से ठंडा महसूस हुआ बॉडी को। सो फीलिंग सो हैप्पी टुडे कि मैंने आज अपने लिए समय निकाला और मैं वॉक पे आ पाई। मैं पुराने दोस्त सब लोग लगे हुए योगा करने। इधर RSS की ट्रेनिंग चल रही है, ये देखिए। और काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ, इन लोगों से मिलना हुआ, तो वही कंप्लेनिंग भी चल रही थी कि कहाँ गायब थे, समय ही नहीं हो पा रहा था कि जो समय निकाल पाएँ वॉकशॉक कर पाएँ। तो फिलहाल हमने 2 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और कुछ 500 कैलोरीज भी लॉस कर ली हैं। और अभी यहाँ से घर पहुँचने में भी मेरे को आराम से 15 से 20 मिनट में लगेगा। तो फटाफट चलते हैं घर और स्टार्ट करते हैं आपका जो डेली दिनचर्या है। नई नर्सरी जहाँ पर हमने कई सारे पेड़ भी लिए हैं, यादव नर्सरी। सो मुझे वो एक्चुअली मशीन चाहिए जिससे पानी डाला जाता है, तो क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा धूल गर्दा वगैरह जम जाती, तो मुझे बड़ा इरिटेट करता है। तो मुझे लगता है कि अगर उसे प्रॉपरली क्लीन हो जाए तो पेड़ भी नए निकल आएंगे। केलिया का टाइम आ गया है, जहाँ पे आपको ये वाले फूल आप ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसका जो प्राइस है वो मैंने अभी पूछा भैया से, कुछ 6,000 रुपये। मतलब इतना महंगा पेड़ है, और इसमें आपको 5 कलर मिल जाएंगे। एक ही पेड़ में 5 कलर है, ये वाइट है और ये पिंक, इसके साथ ये कुछ ऑरेंजेस सा शेड है, बाकी 2 कलर अभी नहीं दिख रहे हैं, पर ऐसा बता रहे हैं कि इसमें बेसिकली 5 कलर आते हैं। तो इन्होंने जो है कुछ क्रॉस ब्रीड किया हुआ है कलर्स का, तो ये सब एक साथ जो है उग रहे हैं। वाओ, मैं थोड़ी बहुत फूल वगैरह भी ले लेता हूं माता रानी पे चढ़ाने के लिए। हो चुकी है डन, पूरा 1 घंटे का समय अपने ऊपर व्यस्त किया है हमने, व्यतीत किया है एक्चुअली। तो बहुत बढ़िया लग रहा है मी टाइम मेरा। मी टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें भी करी, अपने पेड़ों के लिए शॉपिंग करी। मॉम्स जिनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि सोने नहीं देते हैं, सो जाए तो बेचारी मम्मियाँ भी अच्छे से वॉक कर ले। बच्चे लेके वॉक कर रहे हो ना? हाँ, so sweet. हमारा वाला भी सो रहा है, तभी आज मैं भी निकल आई। चलिए बाय बाय। ब्रेकफास्ट में होगी हमारी इडलियाँ और सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं। बैटर को मस्त सांचे में डाल दिया है और ये हमने भगोना चढ़ाया हुआ है उसमें। मेरी टेस्टिंग चल रही है कि ये मशीन काम कर रही है, और ये देखिए काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। सारी पत्तियाँ मस्त धुल जा रही हैं, बस ये इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको पंप करना पड़ेगा, पर काम बढ़िया है यार, ये नाइस। सकते हैं हमारे नन्हे जनाब लगे हुए हैं ब्रश करने में, क्योंकि इनका स्कूल का टाइम है। कल इनका नागा हो गया था मामा के चक्कर में, ये मस्त बतियाने में लगे हुए थे। तो दादा और शिवाय दोनों का ब्रश टाइम चल रहा है। इन जनाब को नहाने को कह रहे हैं और ये जनाब यहाँ छुपे हुए हैं। चलिए हन्नू करना है, चलो नंगू पंगू हन्नू कर लो, चलो। अरे बाप रे, नहीं करना नहीं करना, चलो। छोटी पर इनको खेलना है टॉय से, हम कह रहे ये खा लो, ये इनको ना है। बेटा ब्रेकफास्ट करना है ना, तो गैया तो खाना पड़ेगा। गैया का दूध है ये, प्योर मस्त दूध रोटी है, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन एंड फाइबर दोनों का है पैक। और हमने बनाई है इडली, रख दी है इनके लंच पैक में, छोटी छोटी इडली। ओके बंद कर दे, इसको स्कूल में खाना है बेटा, अभी नहीं खाना है, जब स्कूल में मैम खिलाएंगी ना तब खाना है। अभी तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना। और ये शिवाय का
पहला लंच बॉक्स है जो इनकी मौसी ने इनको गिफ्ट किया अभी रिसेंटली स्कूल जाने की खुशी में। और ये रहे इनकी बॉटल, ये शिवाय की फर्स्ट बॉटल एंड टिफिन। अपना क्यूट सा ड्रेस पहन लिया है, इनका बैग वगैरह भी रेडी कर दिया है, टाइम हो चुका है इनका जाने का। ओके स्कूल चले हो, स्कूल तो जाना पड़ेगा बेटा, स्कूल चलना पड़ेगा जान। इतने टेंट्रम से इनको पूरा खानदान याद आ जाएगा, नानू भी याद आ जाएंगे, पापा भी याद आ जाएंगे, मम्मी पहले पापा छोड़ना है तो मम्मी के पास, और मम्मी छोड़ना है तो पापा के पास। बहुत दिमाग लगाते हैं ये मम्मा मम्मी, यही तो है। चलो हम लोग आ गए स्कूल, छोड़ करके आए हैं। इनकी टीचर भी रास्ते में मिल गई थी, भाई साहब ये इतना रो रहा था, मुझे इनके पापा बोलते हैं कि यार तुम जाए को छोड़ना, मुझे रोना नहीं देखा जाता उसका, और यकीन मानो मुझे भी नहीं देखा जाता है, वो बहुत ही रो रहा था। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना एडजस्ट होने में। खैर टीचर्स इतनी अच्छी हैं कि वो बच्चे को मैनेज कर लेती हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, पूजा नहीं हुई है, फटाफट दोनों चीज़ें निपटाएं तब जाके सुकून मिले। दो दिन से फास्ट ही चल रहा है, मंडे का फिर नवरात्र का पहला, तो दो दिन से फास्टिंग ही चल रही है मेरी। आज फाइनली मैं खाना खाऊंगी। हमारा बढ़िया सा नाश्ता, हेल्दी सा नाश्ता, मस्त इडली, और ये इधर चल रहा है हमारा ब्लॉग, क्योंकि हमारा अभी जस्ट वीडियो लाइव हुआ है, तो फटाफट ये भी निपटाना है, ये भी निपटाना है। पूजा हो चुकी है हमारी, डन है मी टाइम, मतलब कुछ 10 मिनट बाकी हैं शिवाय के आने में, तो अभी जाएंगे उसको पिक करके लेकर आएंगे। सो, पहले मुझे पता नहीं था कि नवरात्रे दो तरह के होते हैं। पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसे लगता था यार बार बार नवरात्रे आ जाते हैं, तो अब जब बड़े हुए तो पता चला है कि ये जो अभी चल रहा है मार्च अप्रैल वाला, इसको चैत्र नवरात्र बोलते हैं, और जो सर्दियों में पड़ता है उसको शरद नवरात्र बोलते हैं, और दोनों की अलग महत्व है। ये जो चैत्र नवरात्र होते हैं इसमें माता रानी अपने पृथ्वी पे आती हैं, अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, तो कहा जाता है कि जो 9 दिन हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस टाइम पे आप प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सोल को शक्ति के साथ कनेक्ट कर पाते हो, तो इसीलिए ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है, शादी ब्याह के सारे कार्यक्रम भी स्टार्ट हो जाते हैं। प्लीज़ नोटिस करिए, आप भी कभी नोटिस करिएगा कि जब आप सुबह की शुरुआत करते हैं ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा चार्ज रहती है। मतलब मैं आज उठी थी कुछ 5 बजे और फुल बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव है, सारे काम करने के बाद भी बिल्कुल थकान नहीं फील हो रही है। और 2 दिन से फास्टिंग है, पूरी फास्टिंग में मैंने इतना, मतलब पूरा दिन मेरा इतना बिजी था, और कहीं से भी ये फील नहीं हुआ है कि मैं वीक हूँ या फास्ट कर रही हूँ, ऐसा कमज़ोरी नहीं लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, जब आप खाना कम खाते हो ना, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप थोड़ा जब कम खाते हो तो बॉडी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, और जब ओवर ईटिंग कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होता है। ये अभी मैंने रियलाइज़ किया। सो फीलिंग सो एनर्जाइज टूडे। अरे बाप रे। अच्छा मैम, ये रोया तो नहीं था? नहीं, ओके था, एडजस्ट हो गया। अपने पिंजरे से निकल चुका है अपने शिकार पे, मतलब झूले चाहिए ना, अब इनको पढ़ाई शढ़ाई हो गई है, अब प्ले टाइम है। मस्त आधे कपड़े उतर चुके हैं। ओ इट्स ओके, स्ट्रॉन्ग बॉय, गेट अप, गम, गेट अप, रन। तो सीधे भागते हुए झूलों के पास जाएंगे, ये थोड़ा सा खिला लेते हैं। घर का खाना और मस्त रोटी, दाल, बीटरूट, रायता, भिंडी और अचार विद नींबू। बाबा क्या सही थाली लग रही है ना, फुल कलरफुल थाली है हमारी। दिन नीचे और टाइम हो रहा होगा कुछ 3:40, और आप सोचोगे इतनी दोपहर में वॉक कर रहे हैं, तो एक्चुअली चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, बीच में ये स्विमिंग पूल है, और ये जो गार्डन एरिया है जहाँ पर हम इजिली वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे धूप बहुत कम आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगेगी। दिस इज़ बेस्ट पार्ट अबाउट सोसाइटी,
क्योंकि धूप ना ऊपर के घरों में ज़्यादा है इस समय और नीचे अभी बहुत कम है, और गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो स्विमिंग पूल भी हमारा रेडी हो चुका है, मस्त फ्रेश पानी जो है लगा हुआ है और हमने भी ब्लू पहना हुआ है, इधर पानी भी मस्त ब्लू ब्लू है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है और सोसाइटी कल्चर वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपका एक अच्छा खासा सर्कल हो जाता है नीचे जहाँ पे आप कभी भी उतरो तो आपके लोग हैं जानने पहचानने वाले, हाई हेलो कर लीजिए। और दूसरी चीज़ कि सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में भी बहुत अच्छा रहता है और चोरी चमारी का टेंशन नहीं रहता है, जेंट्री भी बहुत अच्छी रहती है। तो सोसाइटी के ये काफ़ी पर्क्स कह लीजिए या फ़ायदे कह लीजिए, तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। लाइक अभी टाइम हो रहा है कुछ 4:20 और मेरी इवनिंग वर्क भी हो गई है डन, आप स्वेटिंग से देख सकते हो, मस्त टैल वेल के आ गई थी नीचे। और आज का जो पूरा मैंने टारगेट कंप्लीट किया है वो कुछ 7 किलोमीटर्स कवर किए हैं, कुछ 12,000 स्टेप। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि शिवाय ने आज बहुत हेल्प करी कि वो ज़्यादा रोया होया नहीं ताकि हम अपनी चीज़ें टाइम पे कर पाए। नाइस। क्या होता है ना कि जब आप ज़्यादा घूमने फिरने वाले इंसान हैं और आपको चाहिए कि आपका वेट भी कम रहे, तो मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि मैं हफ्ते में 3 से 4 अपना रात का खाना स्किप करती हूँ और मैं उसके साथ लेती हूँ अपनी मस्त ग्रीन टी भर करके कप, इसमें 1/2 लीटर ग्रीन टी आ जाती है, तो फिलहाल तो ये कैमोमाइल टी है, इसके साथ बना लूंगी ये लैया चूरा कॉर्न सैलेड, कुछ इस तरह के हेल्दी या लाइट स्नैक्स बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि दिमाग को सिग्नल भी पहुंच जाता है कि हमने अपना डिनर कर लिया है, इसके बाद नहीं करना है। अदरवाइज क्योंकि इतना वीकेंड पे खाना पीना होता है बाहर को तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो यही ट्रिक मैं अपनाती हूँ कि इस बहाने थोड़ा सा फिट रहेंगे और जैसे ही मौका मिलता है वॉक पे जरूर जाते हैं, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है, एज भी आप 30 हो चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना है, अपने लाइफस्टाइल को ध्यान में रख करके सारी चीजें करनी है, क्योंकि अब वो टाइम हो रहा है जहां पे बीमारियों की शुरुआत होती है, शुगर डायबिटीज थायराइड सारी चीजें ना हो उसके पहले आप प्रिकॉशंस लीजिए। तो शाम के लिए नीचे लेकर आए पार्क में और आते ही इन्होंने दूसरे का स्कूटर पकड़ लिया, इनका स्कूटर इधर पड़ा है और ये लग गए हैं दूसरे के स्कूटर से खेलने में, जो चीज मना करो वो काम ये जरूर करेंगे। हाय पूरा ग्रुप, इनकी स्वरा दीदी और इनके दो फ्रेंड्स और, सो सब मस्त लगे हुए हैं फुटबॉल बॉल खेलने में, जल्दी अंदर आइए फिर स्वरा दीदी चली जाएगी, स्वरा दीदी इनकी फेवरेट है पार्क में। ओ ये धम हो चुके हैं एरोप्लेन बन यार, तो प्लेन क्यों बन जाते हो? हमारे यहाँ सब लोग रेडी शेडी होकर के आए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं, और ये राजस्थान में सेलिब्रेट करता है शिव जी एंड पार्वती, ये देखिए ये देखिए हाय साल गुड यार, सब एकदम रेडी शेडी होकर के आए, हम लोग भी सब अप्रिशिएट कर रहे हैं इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर के आए, सबके सब इकट्ठा हो गए हैं भगवान शिव और पार्वती को लेकर के आ रहे हैं मंदिर में। पूर्वपतिं भज विश्वनाथं सानंद मानंद वने वसंतं आनंद कंदम हित पाप वृंदं वाराणसी नाथ मनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, काशी विश्वस्वान्म वीरभद्रान्म गणनाथान्म प्रजाप्तिर्म हिरण्यस्यन्म दुर्धर्षान्म दृश्यान्म अनघान्म भुजंगभूषणान्म त्रिशिवान्म याय ज्ञानं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकम् अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि भोले उमापति महादेवति जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बहुत ये देखिए हमारे शिव और पार्वती जी, सब लेडीज आए हुए हैं मंदिर में भगवान के दर्शन कराने, आज इनको मेहंदी लगेगी हाँ, है ना लगेगी, अच्छा तो उसमें मेहंदी लगाते हैं, अच्छा ओ वाह पार्वती जी को भी लगाएंगे, अच्छा अरे वाह हाँ हाँ हाँ, कल गंगौर की, तो कल हम लोग शामिल होंगे पूजा में है ना, चलिए बढ़िया बढ़िया नाइस।
तो चलिए आज आपको बताते हैं थोड़ा सा गंगौर पूजा के बारे में। तो बेसिकली गंगौर पूजा राजस्थान में काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो निधि भी राजस्थानी है। सो इस पूजा को बेसिकली चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मनाई जाती है, जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है और उनको दर्शन कराने के लिए हमारे मंदिर लेके आया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो है आप भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करते हो कि उनका दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय व्यतीत हो। सो मैं अपने आप को भी काफ़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस पूजा में शामिल हो पाई। मेन पूजा बेसिकली कल होगी, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो सारी चीज़ें कवर कर सकूँ और आपको दिखाऊँ कि राजस्थानी किस तरह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।